स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एंटीबायोटिक दवाइयों के ऊपर डिस्कशन किया था और हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में एंटीसेप्टिक ड्रग्स यानी एंटीसेप्टिक औषधियाँ जो हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो बीएससी होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो इसमें हम पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक औषधियाँ। एंटीसेप्टिक वे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं या रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं या उनके मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं। साधारणतः एंटीसेप्टिक का उपयोग शरीर पर बाह्य तौर पर चोट व अन्य कारणों से होने वाले संक्रमण से बचाव है। जैसा आपने कॉमनली देखा होगा, अगर हमें कभी हल्की फुल्की चोट लग जाती है तो हम उसको कॉटन पे डेटॉल लगा के उससे साफ़ करते हैं, उससे क्लीन करते हैं। तो यानी यही एंटीसेप्टिक का काम होता है, जो बाहर चोट लगने से या किसी भी रीज़न से हमारी बॉडी पे जो रोगाणु या जीवाणु आ जाते हैं उसको उससे हमारी बॉडी का बचाव करना। किसी औषधि की एंटीसेप्टिक क्षमता को उसे फिनोल गुणांक के पथ में प्रदर्शित किया जाता है। फिनोल गुणांक एंटीसेप्टिक के किसी सांद्रण की फिनोल विलयन के उसी सांद्रण के साथ तुलना है जो दिए गए समय में या निर्धारित समय में बैक्टीरिया की मृत्यु कर देता है। यानी जितनी जल्दी वो मृत्यु करेगा उतना ही उसका फिनोल गुणांक होगा। साधारणतः उपयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि हैलोजन व उसके यौगिक पर आधारित एंटीसेप्टिक, फिनोल व उसके यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक अम्लों व उसके एस्टरों पर आधारित एंटीसेप्टिक, कृत्रिम रंजकों पर आधारित एंटीसेप्टिक, धातु व उसके यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक, नाइट्रोफ्यूरोन यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक, फॉर्मेल्डिहाइड व उसके यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके के एंटीसेप्टिक होते हैं। इन सभी को आप नोट कर लेंगे इनके हेडिंग वाइज, और उसके साथ ही साथ जो हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे ये आपको हेडिंग से नोट करना है इस इन नोट्स में से। ये देखिए, आप अपनी कॉपी में यहाँ से नोट करेंगे जो हैलोजन और उसके यौगिकों पर आधारित है वो नीचे दिए हुए हैं, क्लोरीन ब्रोमीन ईटीसी एंड फिनोल वाले हैं वो अलग दिए हुए हैं। ठीक है, फिनोल वाले बेसिकली जो फिनाइल वगैरह होता है उनमें यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट। आगे फिर ये देखो डेटोल का एग्जांपल दिया हुआ है। फिर एरोमेटिक आते हैं, फिर कृत्रिम रंजकों वाले आते हैं, ये भी आप सबको नोट करने हैं। उनके साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। इसके बाद आता है धातु और उसके यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक और नाइट्रोफ्यूरोन यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक। इन सब के आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं आप इसमें से देख के, और नीचे फॉर्मेल्डिहाइड व उसकी यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक है इसका भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसके बाद आता है हमारा कीटरोधी एंटी इंसेक्टिसाइड, यानी जो कीटरोधी होते हैं वो कैसे काम करते हैं। कीटरोधी वे पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण है जो कीटों को मारने या उनकी वृद्धि रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों को उनके प्रभाव के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज आंतरिक कीटरोधी यानी इंटरनल इंसेक्टिसाइड। इस प्रकार के कीटरोधी तब असर करते हैं जब कीट इन्हें खा लेते हैं और ये उन कीटों में प्रभावी रहते हैं जिन्हें चबाने की आदत होती है, जैसे झींगा यानी कैटरपिलर, टिड्डी और झिंगूर। यानी ये जो कीट होते हैं ये इंसेक्टिसाइड्स को खा लेते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं बाह्य कीटरोधी एक्सटर्नल, जो बाहर की स्किन से उनकी बॉडी की ऊपरी त्वचा से असर करते हैं। इस प्रकार के कीटरोधी बाह्य प्रयोगों द्वारा कीटों द्वारा को नष्ट कर देते हैं। इनका प्रभाव सूंघने द्वारा कीटों पर होता है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले कीट खटमल, बग्स, मच्छर, मक्खी, जू आदि है। वाष्पपूर्ण कीटरोधी यानी फ्यूमिड, इस प्रकार के कीटरोधी कीटों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इनका उपयोग मुख्यतः संरक्षित खाद्यान्नों के कीट संरक्षण के लिए होता है। फिर आते हैं प्रतिकारक कीटरोधी। इस प्रकार के कीटरोधी उपयोग वाले स्थान से कीटों को दूर करते हैं, यानी वो एक तरह से रिपेलेंट वाला काम करते हैं कि जिस चीज़ से हमें दूर करना होता है वहाँ पर हम छिड़क देते हैं और वो चले जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा घरों में जो स्प्रे करते हैं मच्छर मस्कीटो वाली, मस्कीटो रिपेलेंट, तो एक जगह से मच्छर को भगाने के लिए वहाँ पर हम स्प्रे करते हैं और वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसे ही रासायनिक दृष्टि से कीटरोधी पदार्थों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अकार्बनिक, सेकेंड वन इज़ प्राकृतिक कार्बनिक, थर्ड इज कृत्रिम कार्बनिक कीटरोधी। अकार्बनिक कैसे होते हैं, इनके जो नाम हैं ये आपको सारे नोट करने हैं, जैसे लेड आर्सेनेट है, कैल्शियम आर्सेनेट है, कॉपर एसिटो आर्सेनेट या हरा पेरिस,
फ्लोरीन यौगिक, जैसे उदाहरण है इसका बेरियम सिलिकोफ्लोरेट, सोडियम फ्लोरो एल्यूमिनेट, सल्फर व उसके यौगिक, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। इसके साथ ही जो प्राकृतिक आते हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ पौधों की पत्तियाँ जल व तने की कीटरोधी की तरह उपयोग होते हैं। कुछ प्रमुख अकार्बनिक कीटरोधी निकोटीन, पायरेथ्रीन व रेटिनोन है। इसमें एक एग्जाम्पल हम नीम की पत्तियों का भी ले सकते हैं, जिसको जलाने से, धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। फिर आते हैं कृत्रिम कार्बनिक कीटरोधी, ये आजकल सर्वाधिक उपयोग होने वाले कीटरोधी रसायन हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख रसायन निम्नलिखित हैं, जैसे नाइट्रोफिनोल हो गया, DDT जो मोस्ट कॉमन है, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बनानी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नाइट्रोफिनोल भी और DDT भी दोनों ही इंपॉर्टेंट यौगिक होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं 19वीं शताब्दी तक यह मच्छरों व टिड्डों की रोकथाम के लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाला कीटरोधी था, पर इसके उपयोग का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि यह आसानी से अपघटित नहीं होता व उपयोग होने वाले स्थानों से खाद्य पदार्थों व पेयजल में मिल जाता है, जिससे जीवधारियों में कुछ विशिष्ट प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इसमें ये बोला गया है कि जो DDT है, यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये पहले काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ होता था, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था 19th century तक, लेकिन उसके बाद देखा गया कि इसकी वजह से मच्छरों और टिड्डों को तो उतना नुकसान नहीं था जितना ह्यूमन बींग्स को था, यानी ह्यूमन्स में अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होने लगी थी DDT की वजह से, जिसकी वजह से बैन कर दिया गया है, यानी अभी DDT हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आता है इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी कीट प्रतिकारक। कीटरोधी रसायनों से यद्यपि मानव को नुकसानदायक कीटों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इन रसायनों के जीवधारियों पर भी बुरे प्रभाव होते हैं। इस उद्देश्य के लिए निरंतर उन रसायनों की खोज जारी है जिनमें कुप्रभाव कम या नहीं हो। आजकल कुछ ऐसे रसायन खोजे जा चुके हैं जो कीटों को उपयोग वाले स्थान से दूर भगा देते हैं, पर जीवधारियों पर इनका कुप्रभाव कम होता है। इस प्रकार के रसायनों को कीट प्रतिकारक कहते हैं, जैसे NN-diethyl metatolamide, यानी DEET इसको बोलते हैं, सर्वाधिक उपभोग होने वाला कीट प्रतिकारक है। ये किनली, यानी जो जुएं होती है, टिक्स, मच्छर और मक्खी को दूर भगाकर प्रतिकृत कर देता है। कीट प्रतिकारक रसायनों को लोशन या वास्प, यानी वेपर फेज में उपयोग किया जाता है। जो डीट होता है उसका मानव शरीर में कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा अन्य कीट प्रतिकारक निम्न हैं, जो ये हैं, डिओहेड, जैसे डाइमिथाइल इथेट, इसके तीन भाग, इंडोलिन, नॉर्मल ब्यूटाइल 6-6 डाइमिथाइल डाईहाइड्रो 1-4 पायरोन या 2-3 डाईकार्बोक्सिलेट का एक भाग। ये हमें याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसका ऐसा है कि हम शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एज इट इज़ इसको हम पेपर में लिखेंगे, लेकिन हाँ इसके एक दो पॉइंट हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इसके क्वेश्चंस। आप सभी स्टूडेंट्स को जो नीचे मैंने क्वेश्चंस डाले हैं ये सभी सोल्व करने हैं, सॉरी, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं क्वेश्चन में। अभी तक के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।